हेलो मंडी, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं मंडी शहर की कुछ चुनिंदा खबरें, तो आइए करते हैं शुरुआत। शिवरात्रि पर खस्ताहाल गलियां व सड़कें करेंगी स्वागत, ऐसी शिक्षा प्रणाली से क्या फायदा, इस जलेबी की है क्या बात, सीएम को भी आती है खूब रास, कहीं मिट ना जाए इस ऐतिहासिक झील का अस्तित्व। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और देवी देवताओं के साथ ही लाखों लोग देश प्रदेश से मेहमान बनकर मंडी आएंगे। मंडी जिला प्रशासन दिन रात शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन मंडी शहर व आसपास की सड़कों की खराब हालत और छोटी काशी की टूटी फूटी गलियों ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई हुई है। इस समय मंडी पठानकोट NH मंडी से कुल्लू मनाली को गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों में गड्ढों की भरमार है। ढढोर से पुंख सुंदरनगर तक बंद पड़ा फोर लेन का काम और मंडी से पंडो के लिए चल रहे फोर लेन के काम ने प्रशासन की माथे पर चिंता की लकीरें खींचे हुए हैं, जबकि इन्हीं रास्तों से गुजरकर देवी देवताओं, हजारों देवलुओं और पर्यटकों ने मंडी पहुंचना है। सड़कों के साथ ही मंडी शहर की गलियां भी बेहाल हैं। कई गलियों की मरम्मत और निर्माण काम अभी भी बड़ी धीमी से चला हुआ है। हालांकि मंडी जिला प्रशासन ने NH के अधिकारियों को सड़कों की हालत 10 फरवरी से पहले सुधारने के आदेश दिए हैं और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है, लेकिन अभी तक इन आदेशों पर अमल होता दिख नहीं रहा। नेशनल हाईवे की हालत को देखते हुए हमने एक बैठक जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ की थी और उनके सामने हमने हमारे जो आने वाली अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा है कि हमारे सभी रोड्स ठीक होने चाहिए, कहीं पर भी गड्ढे नहीं होने चाहिए और ख़ास तौर पे जो शहर के रोड हैं जहाँ तक कि पुल ग्राड से लेके हमारा ब्यूली ब्रिज तक और उसी तरीके से जो पठानकोट मंडी रोड है उसमें भी जितना हमारा एरिया शहर का आता है उसमें जितने भी गड्ढे हैं उसको तुरंत भरा जाए। कुछ इश्यूज़ पहले रहते हैं क्योंकि इस पूरे साल में लगातार बारिश हो रही थी जिस वजह से इसका कार्य जो है वो इसमें थोड़ा डिले आई है, पर तो भी हमने इनको लक्ष्य रखा है कि भाई किसी भी हालत में 10 फरवरी तक सभी गड्ढे भरे होने चाहिए और सभी रोड जो है उसकी हालत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ताकि हमारे शिवरात्रि में जब देवी देवता चलेंगे दूर दराज के एरिया से और हमारे यहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर सड़कें बिल्कुल ठीक रहें। शहर से गुजरते हुए जितने भी जो संबंधित NHAI की तरफ से है, NHAI के पास रोड है उसके बारे में हमने दिशा निर्देश दे दिए और जहाँ तक अंदर शहर की बात है वहाँ पर MC मंडी है, वो भी एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है इस शिवरात्रि मेले का, तो वो भलीभांति जानते हैं और उनसे भी अपेक्षा रहेगी कि वो भी अपनी जितनी भी अंदर की गलियां वगैरह है उनकी हालत ठीक रखें। ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा जो ना तो स्वरोजगार की गारंटी देती हो और ना ही नौकरी का वायदा करती है। हजारों लाखों खर्च कर पढ़ाई करने के बाद भी युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। दशकों से एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली के तहत देश के भविष्य को हम सींचते आ रहे हैं, जबकि जरूरत ऐसी शिक्षा प्रणाली की है जो युवाओं को स्वरोजगार व रोजगार की गारंटी देती हो। बढ़ती बेरोजगारी और कम होते रोजगार के बीच दबी पड़ी मंडी की युवा पीढ़ी इसके लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दोषी मानती है। युवाओं का कहना है कि शिक्षा ऐसी हो जो कम से कम समय रहते युवाओं को स्वरोजगार से तो जोड़ सके। पेश है दिव्य हिमाचल टीवी के साथ इस मुद्दे पर युवाओं की बातचीत के अंश। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का शिक्षा स्तर कितना गिर चुका है, विद्यार्थी इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं पर उनके पास भविष्य में मुझे तो नहीं लगता कोई रोजगार की व्यवस्था होगी या सरकार द्वारा कोई रोजगार की है। आजकल लाखों विद्यार्थी ऐसे ही बिना रोजगार के घूम रहे हैं, लोग BEd MA कर चुके हैं पर वो आज घर पर फ्री बैठे हुए हैं, फिजूल बैठे हुए हैं, ना इनके पास कोई रोजगार है और ना ही कोई रोजगार की स्थिति है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगी कि स्कूलों में स्टार्टिंग से ही ऐसी व्यावसायिक शिक्षा स्टार्ट की जाए ताकि लोगों को या विद्यार्थी को जो वो अपने खुद दम पे खड़े हो सकते हैं और वो खुद की रोज उनको कोई रोजगार ना मिले तो वो खुद का व्यवसाय खोल दिए। जैसे कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि शिक्षा को लेकर के एक
जो आज की डेट में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो व्यवसायिक संबंधी शिक्षा नहीं है, जिसकी वजह से एक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी एक युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि एक व्यावसायिक संबंधित शिक्षा हमारे को प्रोवाइड नहीं हो रही है। आज की डेट में अगर युवाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है कि किस तरह से प्रदेश के अंदर अनेकों कौशल स्किल्ड सरकार प्रोवाइड कर रही है, युवाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे बच्चों को लेके शिक्षा ज़रूर चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या कर आजकल सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह रहे हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, टीचर्स को भी वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो सिर्फ सैलरी के लिए ना आए कि सैलरी मिल रही है, उन्हें जितना उन्हें पढ़ाने को बोला जा रहा है वो उतना ही पढ़ाएंगे। टीचर्स को मतलब अपनी तरफ से भी देना चाहिए, और बच्चे भी तभी इंटरेस्ट दिखाएंगे जब टीचर्स उतने एफर्ट्स डालेंगे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें आने वाले समय में रोज़गार की पूरी गारंटी हो कि हमें उस चीज़ में पक्का रोज़गार मिले। और मैं आज वर्तमान शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो हमारी वर्तमान शिक्षा है उसमें काफ़ी चेंजेस करने जरूरी है, जैसे कि कोई बच्चा अगर प्लस टू आर्ट्स में कर रहा है तो उसे कंप्यूटर का कोर्स जरूरी होता है, जो कि उनको प्लस टू करते करते हुए उनसे कोर्स भी करवाना चाहिए ताकि उनको आगे जाके रोज़गार मिले। बाकी जैसे कोई कॉमर्स बैकग्राउंड में कर रहा है तो उनके लिए टैली का कोर्स जरूरी होता है, ERP का जरूरत है, या SAP वगैरह के कोर्सेज भी जरूरी होते हैं ताकि वो उनको प्लस टू तक भी करवा दिया जाए ताकि आगे जाके उनको रोज़गार मिल सके। जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है या नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो उनके लिए आगे जाके जैसे फ्यूचर में उन्होंने अगर मान लो मेडिकल फील्ड में आगे कार्य करना है तो उनको पहले से ही ऐसी शिक्षा में उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वो आगे जाके अपने गोल को अचीव कर सके और अपनी फील्ड में सक्सेस पा सके। अगर हम आज रोज़गार की बात करते हैं तो जो बच्चे आज MBA कर चुके हैं, MA कर चुके हैं, MCOM कर चुके हैं, चाहे वो कितनी भी शिक्षा ले चुके हैं, पर उन आज भी उनको ना रोज़गार का प्रावधान हो रहा है। आज शिक्षा का स्तर देखें तो पूरा शिक्षा का स्तर है वो घिरा हुआ स्तर है। अगर हम व्यावसायिक शिक्षा की बात करें, अगर सरकार को व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए कि जो आज का युवा है वो अपने आप भी कोई बिजनेस करके या कोई रोज़गार अपने आप खुद ढूंढ के उसमें अमल कर सके, हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं। मतलब जैसा कि आप सब देख रहे हैं आजकल की शिक्षा नीति इतनी, मतलब आजकल की शिक्षा ऐसी है कि जहाँ बच्चे आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं। हमें बचपन से ही ऐसा सिखाया जाना चाहिए कि हम आगे अपना जो एम हासिल कर सके, हम अच्छी एजुकेशन पा सके। बल्कि आजकल कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि मतलब आगे जॉब मिलना पॉसिबल हो सकता है, पर बचपन से नहीं। मतलब आजकल जो बच्चे हैं, मतलब नई पीढ़ी है, वो जा तो रही है, कुछ सीखने के लिए जा रही है, नए कोर्स कर रही है, फिर भी वो मतलब उतना सीख नहीं पा रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें हमें बचपन से सिखा दें तो हम अच्छे एम मतलब अच्छा कुछ व्यवसाय कर सकते हैं अपना और अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली वर्तमान इस देश और प्रदेश में चली हुई है, इसके कारण अधिकतर जो युवा हैं उनको रोजगार के इस शिक्षा के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारी जो सरकार वर्तमान प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार है, अभ्युदन जो एक नई शिक्षा समिति लागू तैयार बनकर तैयार हुई है, उसको सरकार से जल्द लागू करने का मैं मांग करता हूँ। और यह जो शिक्षा युवाओं को बच्चों से कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि आगे चलकर युवा शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य जो है संवार सके। यूं तो जिला मंडी में लाजीज व्यंजनों की भरमार है, लेकिन नेर चौक की नीलम स्वीट्स का नाम आए तो जलेबी के रस से मुंह भर आता है। नीलम स्वीट्स में बनता तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ जलेबी की बात ही कुछ अलग है। नीलम स्वीट्स की जलेबी जो एक बार खाए वह फिर बार बार इसे चखने के लिए यहाँ आता है। आम लोग ही नहीं बल्कि यहाँ की जलेबी का स्वाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी अपनी तरफ खींच कर ले आता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नेर चौक पहुँचे तो उन्होंने भी इस जलेबी का स्वाद लिया। वे जब भी नेर चौक आते हैं तो इसका स्वाद जरूर चख कर जाते हैं। नेर चौक स्थित नीलम स्वीट्स की दुकान जलेबी खाने वालों का तांता सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है। जलेबी को खाने के लिए पर्यटक भी अपने आप को रोक नहीं पाते। हमारे यहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, बट जो जलेबी है वो मशहूर बहुत ज़्यादा मशहूर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जलेबी खाने के बहुत शौकीन हैं और जब भी वह हमारे मंडी में आते हैं बाय रोड तो हमारी दुकान पे शॉप पे जरूर आते हैं और जलेबी खाने के बहुत शौकीन हैं। हमारे यहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, हम जो है मिठाई में पूरी गुणवत्ता शुद्धता से बनाते हैं और अच्छी क्वालिटी की रिफाइंड घी एंड अदर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं।
और लोगों की डिमांड पे मंडी की मशहूर कचौरी भी बनानी शुरू कर दी है, और जैसे जैसे लोग हमारे को सुझाव देते हैं हम उसको अच्छी तरह से अमल करते हैं और नया नया इम्प्लीमेंट करते हैं। नीलम ढाबे की जलेबी जो है बहुत मशहूर है और हम दूसरे देश जलेबी ले जाते हैं। तो आप यहाँ अपने आप भी खाते हैं तो घर को भी ले जाते हैं? घर को भी ले जाते हैं, घर वालों को भी खाते हैं। जब भी हम आते हैं जलेबी खाने के लिए। मैं इस टाइम यहाँ नीलम स्वीट्स में बैठी हूँ, यहाँ की जलेबी खा रही हूँ। यहाँ की जलेबी बहुत ही मशहूर है। मेरा घर दुबलर हिल में है, दुबलर से मैं जलेबी खाने के लिए स्पेशली आई हूँ। कुदरत ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, लेकिन इंसान है कि कायनात से मिले इन तोहफों की लगातार अनदेखी करता जा रहा है। यही अनदेखी कहीं अब तीन धर्मों के लोगों की आस्था के केंद्र एवं विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक रिवालसर झील पर भारी ना पड़ जाए। इस झील पर सदियों पहले कभी बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के अवतार गुरु पद्म संभव ने तपस्या की थी, तो यही झील लोमेश ऋषि की भी तपस्या की गवाह है। यही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी भी झील किनारे वास कर चुके हैं, लेकिन आज इस ऐतिहासिक झील के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। विशालकाय झील धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, लेकिन अब अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इतिहास की साक्षी यह झील हमारी ही अनदेखी से तालाब का रूप ले ले। जी हाँ, कभी इस झील पर छोटे छोटे भूखंड तैरते थे जिसे देख लोग दांतों तले उंगली चबा लेते थे, लेकिन अब ना तो भूखंड रहे और ना ही झील की वो गहराई और लंबाई बची है। कारण है कि झील में शहर की गंदगी नालियों व कैचमेंट एरिया के रास्ते सीधे प्रवेश कर रही है। भारी मात्रा में गाद भरने से झील के अंदर बने प्राकृतिक जल स्रोत बंद होने से झील में प्राकृतिक पानी की कमी हो गई है। कभी 90 से 100 फीट गहरी रही इस झील की गहराई घटते घटते आज 15 फीट के करीब ही बची है। होटल व मकानों के सेफ्टी टैंकों का रिसाव भी झील समेट रही है। हर साल झील में टनों के हिसाब से मछलियां काल का ग्रास बन रही हैं। झील में सीवरेज के रिसाव को रोकने के लिए रिवालसर नगर के लिए सीवरेज योजना मंजूर हुई है, लेकिन आज तक सिरे नहीं चढ़ सकी है। वन विभाग ने कैचमेंट एरिया को विकसित करने के लिए 55 लाख भी खर्चे, पर फायदा कोई नहीं हुआ। अब सरकार ने झील बचाने को 1 करोड़ और दिए हैं, लेकिन वही लापरवाही इस बार भी झील पर भारी पड़ेगी। वही नगर पंचायत अध्यक्ष रिवालसर लाभ सिंह कहते हैं, रिवालसर झील परिसर को बनी प्रणालियों को जीर्णोद्धार करने के लिए नगर पंचायत ने लगभग 1 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग को दे दिया गया है, जिसका जीर्णोद्धारण के लिए PWD को समय रहते उसको काम करने के लिए उनको आदेश दे दिए गए हैं। बाकी वेटलैंड नगर पंचायत इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जितना भी काम होना होता हो उसके लिए माननीय जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, उसके माध्यम से जितने भी काम होने हैं वो कमेटी ही करवा सकती है। डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप 2014 से रिवालसर झील के विकास और सौंदर्य और फिश फीडिंग को लेकर अन्य सामाजिक संगठनों के वित्तीय सहयोग से कार्य कर रही है, जिसमें संस्था अभी तक 8 लाख से ज़्यादा की धनराशि खर्च कर सकती है। हमें आम लोगों का इस मुहिम में काफ़ी सहयोग मिल रहा है, पर प्रशासन की तरफ से अभी तक हमें कोई भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, बैठ के करते हैं और आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता है। रिवालसर झील का मुद्दा पिछले 5 सालों से ऐसे ही चला हुआ है। मेरी प्रशासन से यही विनती है कि यहाँ पर उचित प्रबंध किया जाए और जो बरसात का पानी आता है उसके लिए प्रॉपरली ड्रेन बनाई जाए। जो पुरानी ड्रेन है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, जो कि बरसात का जो मिट्टी के साथ पानी सारा झील में समा जाता है, जिससे हमारा पानी झील का स्तर जो है मैक्सिमम जो है इसका मिट्टी से भर गया है, जिसकी हाइट मैक्सिमम 9 फीट के करीब रह गई है। तो मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि कम से कम इस झील के बारे में
जो जैसे हमने किसी से पूछे या नगर पंचायत से पूछे तो कहते हैं कि ये वेटलैंड है, इसका SDM प्रधान है या और कोई है। जो आज दिन तक हमने इसकी ना मीटिंग देखी, ना कोई इसकी देख रेख देखी, ना आज दिन तक इसके इस झील के बारे में हमने कुछ प्रशासन की ओर से या किसी स्थानीय निकाय की ओर से किसी ने भी अभी तक इसकी झील की तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा सरकार से कि इस झील की तरफ तुरंत जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जैसे ध्यान में रखें और इस झील को के अस्तित्व को बचाने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया जाए। मैं बचपन से इस रिवालसर झील का अस्तित्व देख रहा हूं कि इसके हर वर्ष जो है इसकी स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है। सरकार के द्वारा कई प्रकार की घोषणा हुई, चैनलाइजेशन हुई, कई प्रकार की बैठकें हुई और प्रशासनिक अधिकारी भी कई बार रिवालसर के उत्थान के लिए, रिवालसर झील के उत्थान के लिए आए हैं। बहुत सी बातें हुई कि रिवालसर के चारों तरफ चैनलाइजेशन की जाए और रिवालसर का जो गंदा पानी है रिवालसर झील से बाहर से निकाल दिया जाए और रिवालसर में जो स्वच्छ पानी है उसको जो है रिवालसर के अंदर डालें एक प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट करके। लेकिन खाली मीटिंग में बातें हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं रिवालसर झील के प्रति हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।